नमस्कार मेरे कैंसर राशि के मित्रों, स्वागत है आपका आनंद शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी में। और मैं लेके आया हूँ आपकी राशि और मंथ ऑफ अप्रैल क्या रहेगा इस महीने में, इसकी चर्चा करूंगा। और हमेशा की तरह कहूंगा कि राहु आपकी राशि से गुजर रहे हैं तो आपकी हेल्थ के बारे में सबसे पहले बात करूं तो ये महीना हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। हालांकि महीने की शुरुआत बिल्कुल 31 मार्च को हम देख रहे हैं कि पूर्णिमा है, फुल मून है, और जिसमें चंद्रमा को एक लाइट यानी कि आपकी राशि लॉर्ड पे पूरी लाइट जो है सूर्य से मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप न जाने क्यों किस कारण से कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के लेकर थोड़ा सावधान नहीं है, तो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। और वैसे भी राहु एक छाया जो है वो निश्चित तौर पे कई बार दायरा बढ़ा लेती है, तो थोड़ा सा जहाँ सावधानी आपको लेनी होगी जिससे लाभ की स्थिति बनेगी। वहीं अगर आपके संबंधों की बात करूँ तो सेकेंड हाउस जब मैं देखता हूँ तो उसमें सूर्य की राशि और सूर्य भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो संबंधों में एक अपनापन कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें मिसिंग थी संबंधों में, एक्सटर्नल फैमिली में, दूर नज़दीक से कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक बदलाव की स्थिति दिखाई दे रही है और आप उसमें बेहतर स्थिति में आ रहे हैं। तो आप अपनी प्रेजेंस को अनुभूति करेंगे और आपको भी उस प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट साथ में करने होंगे, ये बात जरूरी है। वहीं अगर आपके सिबलिंग्स की बात करूं तो चंद्रमा आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, वहीं बुध भी आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो यहाँ सिबलिंग्स का आपको पूरा, बहन भाइयों का पूरा साथ आपको मिलने वाला है, दोस्त मित्र भी आपका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राहु आपके पहले घर में है, कई बार राहु का योग जो है वो बाहर के लोगों से परेशानी दे सकता है, तो थोड़ा सावधान आपको यहाँ पर साथ ही साथ रहना होगा। और खास तौर पे फ्रेंड्स के मामले में आपको हल्का सा सावधान यहाँ पे जरूर रहना होगा, क्योंकि आप आंखें बंद करके उनके ऊपर विश्वास जो है वो नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान देना है। बात करूं आपके सुख स्थान की, जान के सुख माँ की गोद से बड़ा सुख संसार में कौन सा हो सकता है, तो आपके सुख स्थान में जो है जब मैं देखता हूँ तो लीब्रा राशि यानी के जुपिटर, और जुपिटर का वहां होना और कहीं ना कहीं आपको ये सपोर्ट जो है वो मिलती रहती है। जहाँ ये कहें कि जैसे जोगी की जान तोते में रहती है, ऐसे ही माँ का प्यार, माँ की जो एक इच्छा है ना वो आपके साथ जुड़ी रहती है। ना जाने क्यों माँ को लगता है मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत अच्छी है, आप बुरा भी कर रहे हैं तो वो अच्छा ही देखते हैं, या आपसे प्यार करते हैं या झूठा दिखावा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है। लेकिन इस समय में जुपिटर का वहाँ होना निश्चित तौर पे एक माँ का सहयोग, माँ का प्यार, माँ की ममता आपको मिलेगी और उसका आप लाभ ले पाएंगे। लेकिन अगेन राहु इटसेल्फ एक अपने आप में इतना स्ट्रांग प्लैनेट है कि जुपिटर के साथ वो अपने संबंधों को, जो ग्रह बैठा है उसके साथ संबंधों खराब होता है, कहीं ना कहीं आपको किसी वाद विवाद से गुजरना पड़ सकता है। तो आप भी सौम्य रहिए, आपकी राशि सौम्य है। कई बार आप बिल्कुल बहुत एनर्जी से भरे होते हैं, कई बार आप बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं और उसकी वजह से एंगर आ जाता है, तो मैं कहूँगा कि ये समय एंगर से जुड़ने का नहीं है, रिश्तों को बनाने का, उनका लाभ लेने का है, उनका सुख लेने का है। तो सुख में जुपिटर का होना बहुत ही एक अच्छी निशानी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए जो लोग शादीशुदा हैं और जो संतान के बारे में लेके चिंता है। तो मैं कहूँगा कि आपके कुंडली में पांचवा घर जो है वो मंगल से जुड़ा हुआ है, वो मंगल जो है आपकी कुंडली में सिक्स हाउस में बैठा हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि संतान को लेकर कुछ चिंताएं आपकी हैं, लेकिन आपकी संतान जो है धन के मामले में बहुत अच्छा कर रही है, संतान एजुकेशन के मामले में एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी ऐसी मुझे उम्मीद है। उनका कंसंट्रेशन लेवल जो है पहले से बेहतर है। हाँ ये बात है, अलग हो सकती है कि उनकी सिटिंग कम हो और यही बात कहीं ना कहीं आपको परेशान भी कर रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही उनके ऊपर कोई उनके अगेंस्ट या उनको किसी तरह का कोई कमांड या ऑर्डर जो है आप देंगे। थोड़ा सा सावधान पोलाइट रहना कहीं ना कहीं आपको जरूरी है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो मैं कहूँगा कि आपकी पत्नी की हेल्थ का अच्छा होना इस समय जरूरी है, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ कमज़ोर है जिसकी वजह से बच्चे को कैरी करना, बच्चे प्राप्ति की दिक्कत नहीं है लेकिन बच्चे को कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उनका आपको ध्यान जो है इस समय रखना होगा, ये बहुत बहुत जरूरी है। आपकी संतान एजुकेशन के मामले में भी अच्छा करेगी, संतान जॉब में, धन के मामले में अच्छा करेगी, संतान के मामले में चिंताएं जरूर रहेंगी लेकिन संतान कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में इस कुंडली में आपके इस महीने में बनी हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके सेवंथ हाउस की बात करूँ, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी पत्नी की हेल्थ खराब हो जाती है, जी हाँ बिल्कुल, आपके सेवंथ हाउस में शनि की कैप्रिकॉन राशि है और शनि एक घर पीछे चले गए, तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं
पत्नी की हेल्थ को लेकर चिंता रहेगी, उनको खांसी बहुत हो सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, उनको उनको पेट की दिक्कतें हो सकती हैं, और खास तौर पे उनको किस तरह से ब्लड की कमी आ सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, एनीमिक हो सकते हैं, तो थोड़ा उनकी हेल्थ का आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ ये कहूँगा कि संबंधों में निश्चित तौर पर बेहतरी होगी, ऐसा नहीं है कि हेल्थ खराब है तो इसकी वजह से संबंध, हाँ लेकिन ये है कि आप अपने टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं और उसमें बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका साथी इस उसकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है तो ये कैसे होगा, तो थोड़ा उनकी हेल्थ का ध्यान रखें तो निश्चित तौर पे आप इस संबंध को, ये अच्छे संबंध को आपकी अनुभूति आपको मिल पाएगी। और साथ ही कहूँगा कि रिलेशनशिप के मामले में अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अभी तक आपको कोई साथी मिला नहीं है, तो इस महीने में आपको निश्चित तौर पर किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, एक अच्छा साथी, एक अच्छा दोस्त आपको मिल सकता है, एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, मैं कहूँगा निश्चित तौर पे ये एक बेहतरीन समय है, इसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं और डे बाय डे आप देखेंगे इसमें कुछ ना कुछ नई नई बातें जो है आपके सामने आती चली जाएंगी, बस आपको एक थोड़ा सा समय देकर आगे बढ़ना होगा। अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ, माँ की बात की है, बाप की बात करूँ, पिता की, फादर की बात करूँ, तो निश्चित तौर पर अगर आपके पिता हैं तो वो आपको निश्चित तौर पर आपको सहयोग देंगे, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा गुस्सैला होने की वजह से आप भी कभी कभार उनसे जो है दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूरी बनाने से होगा क्या मेरे भाई, आप कहीं भी चले जाएं पिता तो पिता ही रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर उनसे आपको ब्लेसिंग मिलती है, साथ मिलता है, तो आप भी अपनी समझदारी का, आप उनके बच्चे हैं इस बात का आप उनको भी आपको प्रूव करना होगा ताकि उनको आप ठंडा कर पाए। तो ये रिश्तों का जो सिलसिला इस पूरे महीने में कहीं ना कहीं एक बेहतरीन पोजिशन में दिखाई दे रहा है, हेल्थ का मामला भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये कहूँगा कि जल्दबाजी में कुछ चीज़ें आपकी हो सकती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। अब मैं बात करूँ आपके घर गाड़ी की बात करूँ तो निश्चित तौर पे आपके फोर्थ हाउस में जुपिटर है, तो आपको दिल करता है कि मैं घर के अंदर में बहुत सारी सुंदर चीज़ें लाएँ, मेरे पास एक बड़ा घर हो। मैं तो एक छोटे घर से निकल के, अब टू बेडरूम से निकल के अब मैं तो फोर बेडरूम सिक्स बेडरूम मेंशन लेने की स्थिति में आ जाऊँ, कुछ ऐसा हो जाए, कोई लॉटरी लग जाए। तो अक्सर अगर हम ऐसे जैसे कहते हैं ना ड्रीम्स देखना शुरू कर देते हैं, तो ड्रीम्स देखने भी चाहिए लेकिन उसके लिए मेहनत करनी जरूरी है, और अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आपकी इच्छा अनुसार चीज़ें मिलने का, प्रॉपर्टी मिलने का योग बना हुआ है। इस समय प्रॉपर्टी खरीदने का लाभ ज़्यादा है, बेचने का कम है, और इस समय के दौरान आपकी ज्वेलरी का नुकसान हो सकता है। तो कई बार ज्वेलरी का नुकसान क्या हो सकता है कि आप सोचते हैं कि चलो ज्वेलरी बेच दीजिए और इससे जो पैसे हैं उसे घर ले लीजिए, ये भी हो सकता है, आपकी ज्वेलरी गुम हो सकती है, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपको एक तरफ खुशी दे रही है तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ थोड़ी स्ट्रेस साथ में लेके आ रही है, तो इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें आप मेंटेन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर घर के मामले में, घर की खूबसूरती के मामले में, घर के गार्डन के मामले में, उसके अंदर नई नई चीज़ें प्लांट करने के मामले में, कहीं ना कहीं आप नए पेड़ पौधे लगाने में, फ्रूटदार जिनमें फ्रूट लगे ऐसे फल वाले पौधे लगाने में आपका रुझान बढ़ सकता है। उसकी सुंदरता को आप फेंस को ही सोचते हैं कि चलो इसको ही पेंट कर दें, इसको ही वार्निश कर दें, कुछ ना कुछ ऐसा जो भी आप सोच रहे हैं वो करिए, निश्चित तौर पर उसमें आपको फायदा होगा। बड़ी गाड़ी का योग सुख बना हुआ है, अगर आप बदलना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आगे बढ़िए। और अगर आपको चाहिए लोन, इन सब चीज़ों के लिए आपको पैसा चाहिए, आप बोरो करना चाहते हैं, तो जी हाँ निश्चित मात्रा में, निश्चित तौर पे ये कुंडली दिखाई दे रही है कि इस समय की कुंडली जो है वो दिखा रही है कि आप आपकी जो एप्लीकेशन है, आपने अगर मोर्गेज अप्लाई कर रखी है, अगर आपने लोन अप्लाई कर रखा है तो उसकी अप्रूवल मिल सकती है। अगर आप कुछ एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कई बार अप्रूवल चाहिए होती है, वो भी आपको मिलती हुई दिखाई दे। तो कुल मिला के ये स्थितियाँ सारी आपकी फेवर में बनी हुई दिखाई दे रही है। तो गाड़ी का सुख निश्चित तौर पर आपको अगर अभी तक नहीं मिला है तो इस महीने में कुछ ऐसा योग से, संयोग से योग बना हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ें बन सकती हैं जिसका आप लाभ जो है वो ले सकते हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी स्थिति, बहुत सारी बातें कर दी लेकिन ये सब होगा कैसे, आपके पास जमा पूंजी, पेरेंट्स के से लाभ, आपकी जॉब, बिजनेस, ये सारी चीज़ें इसमें देंगी। तो मैं कहूँगा कि आपका सेकेंड हाउस यानी कि जिसमें सूर्य, और सूर्य है आपके भाग्य स्थान में, सूर्य का भाग्य स्थान में होना अपने आप में एक बेहतरीन स्थिति जो है वो दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि जी हाँ आपका भाग्य आपको कुछ नया देने के लिए तैयार बैठा है और आप उस ओर आगे बढ़ रहे हैं और डे बाय डे आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि आप अगर मेहनत करेंगे, आपने एक प्लान कर रखा है और आप उसको अचीव करने की ओर आगे बढ़े हैं, तो भाग्य के साथ साथ आपके एफर्ट अगर बन जाए तो निश्चित तौर पर आप लाभ लेंगे। इस समय दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं आपका मन करता है कि चलो हॉलीडे करें, कुछ शॉपिंग हो जाए, ये हो जाए, तो जैसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं, जी हाँ आप करें, लेकिन इससे क्या आप
छोटे खर्चे अगर आप नहीं बचाएंगे तो बड़ा खर्चा कैसे कर पाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ चीजों के ऊपर आपको कंट्रोल भी रखना होगा। प्रोफेशन के मामले में कहूंगा कि वीनस आपके 10th हाउस में बैठे हुए एक अच्छी स्थिति में एक अच्छा योग से संयोग से योग बना हुआ है, ये भी आपको एक अच्छी स्थिति दिखा रहा है। तो कुल मिला के मैं कहूंगा कि आप बेहतर करेंगे, लेकिन बिगिनिंग में जरूर कुछ कॉम्प्लिकेशन साथ में रहेंगी, लेकिन आगे आगे चल के आपकी स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी, जिससे आप पूर्ण लाभ जो है आगे चल के ले पाएंगे। कुल मिला के ये कहूंगा कि सक्सेस आपकी बढ़ रही है, लेकिन आपका स्टेबल होना, आपका फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। अगर कोई कमी है तो आप में यहीं आकर आ जाती है, और ये चीज आपके हाथों से चीजों को खींच के ले जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब आपके पास रहे, तो आप अच्छी तरह से मेहनत कर उसके ओर ध्यान देकर उसके ऊपर काम करें, तो सफलता आपको इस महीने में मिलने वाली है। कुल मिला के ये कहूंगा कि लगन में राशि में बैठा हुआ राहु निश्चित तौर पर चिंता दे रहा है, लेकिन चंद्रमा और जुपिटर की पोजीशन, सूर्य की पोजीशन, जो शुक्र और मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है, तो इन सब कंडीशनों की वजह से देख रहा हूँ कि आपको लाभ मिलेगा। और इस समय में करना क्या है, उपाय के रूप में कहूंगा कि आपको अपना प्रॉमिस, अगर आपने किसी से कोई कमिटमेंट कर ली, आपने कोई प्रॉमिस बना दिया है, तो आपको उसको करना है। इसलिए प्रॉमिस करते वक्त तो आपको बहुत ध्यान देना होगा, यूं ही बिल्कुल कुछ भी किसी से ना कह दें जिससे आपकी एनर्जी कमजोर हो सकती है, जिससे आपका विश्वास कम हो सकता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आप अगर वीडियो को आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी हिम्मत मिले। और अब मैं मिलूंगा आपसे, बात करूंगा आपसे मंथ ऑफ मई के साथ, आपकी राशि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।